जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली। इडली सांभर बनाएंगे आज। इडली के लिए हम इस गिलास से 3 गिलास चावल लेंगे। जिस गिलास से चावल लिए 3 गिलास, उसी गिलास से 1 गिलास उड़द की दाल लेंगे। उड़द की सफेद वाली दाल, इसमें थोड़े से मेथी दाने भी डालेंगे। इस दाल को 2-3 बार धोएंगे अच्छे से और फिर 4-5 घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। अब इस दाल को अभी गलने देंगे, 4-5 घंटे बाद देखेंगे। हमने इडली के लिए जो दाल चावल बनाए थे, ये बहुत अच्छे से गल गए। अब इनका पानी निकाल देंगे और एक बार दूसरे पानी से धो लेंगे। हमने इस दाल चावल का को एक बार और वॉश कर लिया और उसका पानी निकाल दिया। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। हमारी ये पूरी दाल पिस गई। 1 मिनट इसमें नमक, इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको चलाएंगे अच्छे से। थोड़ा फेंट लेंगे इसे। थोड़ी देर में इसको फेंट लिया। अब ये इस कंसिस्टेंसी की होगी। हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा ऐसा दरदर ही रहती है दाल, तब अच्छी इडली बनती है। अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 2-3 घंटे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी इडली के लिए सबसे पहले हम ये इडली उबल लेंगे और गैस चालू करके इसको रख देंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे ढक के रख देंगे थोड़ा गर्म होने के लिए। ये पानी गर्म हो रहा है जब तक हम इडली को उसके सांचे में डालेंगे। हमारा इडली का बैटर अच्छा तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा फेंटेंगे, ऐसे चलाएंगे इसे थोड़ा। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। अब इसमें लेमन जूस डाल दिया। अब सोडा डालेंगे, खाने वाला मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसे। अब इसको फेंटेंगे ऐसे, वो सब मिक्स हो जाए जब तक। और देखो कितना अच्छा खमीरा आ रहा है। देखो नींबू और सोडा डालने से कितना अच्छा हो रहा है। इसको थोड़ी देर और फेंटेंगे, अभी चलाएंगे ऐसे। अब इसे इडली के सांचे में ऑयल लगा लिया है और अब इस बैटर को सांचे में डालेंगे। इस तरह से इसे थोड़ा सा सपाट करेंगे और अब इसको रखेंगे। ये दूसरा सांचा भी भर लिया, इसे भी टैप करेंगे और इसे, ये देखो रखने का तरीका, ये जिस तरफ छेद है उस तरफ ये इडली आएगी और जहाँ ये इडली है उसके ऊपर इडली नहीं आएगी, ऐसे घुमा के आएगी। सांचे ऐसे रखते हैं, इसी तरह से सारे सांचों को रखेंगे। इस तरह से सारे सांचे इसके रख दिए। अब इसको ढक देंगे और मीडियम गैस पे से रखने देंगे। 10-15 मिनट रखा रहेगा, फिर देखते हैं। अब हम देखते हैं वो इडली कैसी हुई अभी। वाह, बहुत अच्छी हो गई है। इसको चेक करते हैं। देखो हो गई इडली तो बहुत अच्छी हुई है। अब इनको निकालते हैं।
हमने सारी इडलियों को निकाल लिया, अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसको एक चम्मच से निकालेंगे, एक प्लेट में सारी इडलियों को निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी निकल रही है, कितनी आसानी से निकल रही है। देखो कितनी अच्छी बनी है, कितनी सॉफ्ट। देखो कितनी स्पंजी भी है, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए हमने सारी इडलियों को निकाल लिया, कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इनको खाएंगे, एक प्लेट में निकालते हैं। अब हम इसमें इडली लेंगे, इसमें सांभर डालेंगे, चटनी डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा नमकीन डालेंगे। चम्मच उठा के लिए अब तक छोटी खाने वाली, और ऊपर से सेव भी डालेंगे थोड़ी सी। अब देखो इडली को अपन खाते हैं और देखते हैं कैसी लगी। अब बताइए आप कैसी लगी। वाह, सबसे सुंदर, वाह, बहुत अच्छी लगी इडली। चलो इसी तरह से आप भी बनाइए इडली, और आप भी खाइए, सबको खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।